अब देखते हैं अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 2। सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। देखो बच्चों, अभी आपने कविता के साथ साथ इसका अभिनय भी किया था, है ना? तो इससे जैसा ही आपको यहाँ दिया गया है इसका अभिनय करना है। देखो, रोने का अभिनय करना है, हंसना, पटाखे छोड़ना और कपड़े धोना। तो वो घर पे अपने आप करना है कि रोना, आप सब रोते हो, हंसते हो, पटाखे छोड़ना और कपड़े धोना अपनी मन धोती है ना, तो इसी तरह आपको भी उसका एक्शन करना है। ओके, प्रश्न नंबर 3 अ पढ़िए और समझिए। देखो, उठाना तो इसके साथ है गिराना। देखो, आपको समझ में आ गया होगा कि उठाना और गिराना तो वो दोनों वर्ड कैसे हैं? यस, अपोजिट है ना? उठाना यानी कि ऊपर की तरफ, गिराना यानी कि नीचे की ओर, है ना? तो वो हुए विरोधी शब्द, विलोम शब्द। देखना है, देखो, आगा, आना, जाना, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना, छोड़ना, तो वो दोनों वर्ड कैसे हुए? अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द। तो इसके साथ आपको लिख देना है यहाँ, उठाना, गिराना, आना, जाना, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, पकड़ना, छोड़ना, तो विलोम शब्द आपको इस तरह लिखना है। ओके, नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। चलो, अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में ब के ऊपर दिए गए विलोम शब्द पर आधारित वाक्य बनाइए। आगे आपने दिया था, देखा था ना कि विलोम शब्द, उठाना, गिराना, आना, जाना, इसका क्या करना है आपको? वाक्य बनाना है। जैसे ही गिरे हुए को उठाना चाहिए, यहाँ पे आया उठाना, और हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए, यानी कि उठाना और गिराना वो दोनों वर्ड आ गए। इसके जैसा ही आपको जो दूसरा वर्ड है इसका सेंटेंस बनाना है। तो चलो बनाते हैं, आना, जाना। देखो, आना, जाना, मंदिर में कुछ लोग आना चाहते हैं, है ना? मंदिर में कुछ लोग आना चाहते हैं, आना का सेंटेंस बनाया। अब जाना, मंदिर में कुछ लोग जाना चाहते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए कुछ लोग आते हैं तो कुछ लोग जाते हैं दर्शन करके। ओके, छोटा, बड़ा, मेरा एक भाई मुझसे छोटा है और मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है, हो गए दोनों का सेंटेंस छोटा बड़ा। एक भाई मेरे से बड़ा है और एक भाई छोटा है। थर्ड नंबर, ऊंचा, नीचा का सेंटेंस बनाते हैं। गिरना ऊंचा पर्वत है, चोटीला नीचा पर्वत है, वो दोनों पर्वत ही है, लेकिन एक पर्वत कैसा है? ऊंचा है और दूसरा है नीचा। ओके, आगे देखते हैं, पकड़ना, छोड़ना। देखो, मगर आदमी को पकड़ता है तो वो छोड़ता नहीं चाहिए, मगर आदमी को पकड़ना है तो छोड़ना नहीं चाहिए, है ना? आदमी को पकड़ना है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना और छोड़ना। देखो बच्चों, आपको वही सेंटेंस लिखना है और इसके अलावा आप अपने आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हो और लिख सकते हो। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चित्र के आधार पर कहानी कहिए। देखो, वो आपको 4 पिक्चर दिए गए हैं, इसके हिसाब से आपको कहानी बनानी है। एक जंगल में एक शेर रहता था, बहुत से अन्य जानवर भी रहते थे, सिंह जानवरों को अपनी मर्जी के अनुसार मारकर खा जाता था। एक दिन सभी जानवरों इकट्ठे हुए, यहाँ पे देखो, एक साथ इकट्ठे हुए, शेर को कहा कि अपने खाने के लिए हम रोज एक जानवर को भेजेंगे, खाने के लिए हर रोज एक जानवर को भेजेंगे। एक दिन खरगोश की बारी आई, उसने समझदारी से काम लिया, वह जानबूझकर सिंह के पास देर से गए, है ना, देर से पहुंचा। भूखा सिंह गुस्से में था क्योंकि वो खरगोश देर से उसके साथ पहुंचा था, उसने मुझे रोक दिया था। देखो, खरगोश ने कहा,
रास्ते में एक दूसरा सिंह मुझे मिल गया था और उसने मुझे रास्ते में रोक दिया था। इसीलिए सिंह तो भड़क उठा और उसने कहा, चल दिखा मुझे वह सिंह कहाँ है। खरगोश सिंह को कुएं की ओर ले गया। उसने सिंह को कुएं के अंदर देखने के लिए कहा। सिंह ने कुएं में देखा। कुएं में पानी में उसने अपनी परछाई देखी। उसने उसी को दूसरा सिंह समझ लिया। उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़े और इस तरह बुद्धिमानी खरगोश ने अपनी जान बचाई। देखो वो कहानी आप सभी को पता ही है ना, कि जंगल में शेर सभी जानवरों को खा जाता था। इसके दिन वो सभी जानवरों कहाँ इकट्ठे हुए और खरगोश शेर से कहा कि हम रोज आपके लिए एक जानवर को भेजेंगे। जब खरगोश की बारी तो उसने एक उपाय सोचा। वो जानबूझ के ही क्या किया, खरगोश सिंह के पास देर से पहुंचा और कहा, बीच में मुझे आपके जैसा कोई सिंह मिल गया था है ना, और उसने मुझे रोक दिया था। इसलिए वो गुस्से में आ गया और उसको मारने के लिए खरगोश के पास जाता है। खरगोश ने कुएं में देखा तो उसकी परछाई देखी और उसको मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा। ओके, तो इसी तरह आपको वो कहानी अपनी नोटबुक में बना के लिखनी है।